Hi everyone, welcome back to my channel Beauty and Reaction. I hope you all are doing well. So in today's video I'm gonna reacting to a new live show or a latest live show of Umanji. So okay, abhi hua hai Umanji ka latest live show. I think kal hua tha, yesterday hua tha Umanji ka live show. Theek hai, and Victoria mein hua tha, Victoria ka, I don't Victoria live show kuch aisa likha hai. To wahan pe hua tha, I think Canada mein hua hai. तो देखते हैं कि कैसा निकलता है ना लाइव शो मान जाएगा. इसमें लिखा है कि विक्टोरिया लाइव शो 2022 न्यू सॉन्ग्स कट्टर फैंस यस. इसके अंदर मानजू ने आई थिंक न्यू सॉन्ग आए हैं. न्यू सॉन्ग मतलब जो मानजू अभी सॉन्ग्स आए हैं आई थिंक वो गाए हैं मानजू ने, या फिर कोई और न्यू सॉन्ग आए मानजू, आई डोंट नो. तो लेट्स सी कि कौन से न्यू सॉन्ग आए मानजू ने, है ना. तो चलते सर वीडियो कहते हैं, देखते हैं कि वीडियो कैसे निकलती है. बट वीडियो का शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप मुझे पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसे लगी है. एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो मैं किस वीडियो पर रख दूँ. मैं जरूर उन वीडियो पर रख दूँगी. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड स्नैपचैट. ऑल्सो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्लीज चेक आउट. इन डिस्क्रिप्शन में आपको सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. भूल गया बिज बड़े नहीं होना, पूरी लाइन गाने या चुप कर जा. वाह 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 चेक
ओके सो दैट्स द वीडियो एंड शुरुआत का जो सॉन्ग था बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए तो खास तौर से एंड वो सॉन्ग मेरे फेवरेट स्टार का नाम है SRK द वन द लेजेंड SRK शाहरुख खान यू ऑल नो दैट है ना नाम तो सुना ही होगा आपने जे देखा तो ये जाना सनम मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि वान जी ने ये सॉन्ग गाया है बहुत अलग लगा है मुझे सुन के बट येस काफ़ी ज़्यादा प्यारा सॉन्ग है DDLJ फिल्म का ही सॉन्ग है तुझे देखा तो ये जाना सनम एंड बहुत मज़ा है इस पूरे सुनने में इस पूरे लाइव शो को देखने बहुत मज़ा आई गेस के अंदर न्यू सॉन्ग का मतलब यही था कि इसमें एक तो वन जिन DDLJ का सॉन्ग गाए तुझे देखा तो ये जाना सनम ठीक है एंड उसके बाद वन जिन चंचनमा उस बीच में वन जिन ने एक सॉन्ग और गाया था और उसके लास्ट में एक सॉन्ग और गाया था वो दोनों सॉन्ग मैंने सुन रखे हैं ठीक है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि वो सॉन्ग का नेम क्या है क्योंकि बता दो अभी क्या सीन चलता है बेसिकली मेरे साथ अभी मैंने अपनी प्लेलिस्ट चेक कर दी जो कि बॉन जी की प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है वहाँ पे आपको सारे सॉन्ग मिल जाएंगे बॉन जी के तो ये है कि अभी आज मैंने प्लेलिस्ट चेक करी बॉन जी की एंड प्लेलिस्ट के अंदर मैक्सिमम 204 वीडियोज़ है बॉन जी की मतलब मेरी जिसमें रिएक्शन दिया है मतलब 200 करीब वीडियो पे हमने वन जी रिएक्शन दे चुके हैं सो अब इसलिए मैं बहुत मैसेज अप हो जाती हूँ इसलिए मुझे पता चलता है कि कौन सा है या जो सॉन्ग मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं फिर जो सॉन्ग मुझे ज़्यादा नो या फिर जो सॉन्ग को मैं ज़्यादा लगन से सुनती हूँ तो वो सॉन्ग ज़्यादातर मेरे माइंड में रहते हैं ठीक है जैसे चन चाननी है सॉन्ग मेरे बहुत टाइम मेरे दिमाग में रहते हैं मेरा गम रहता है दर्द रहता है किनारा रहता है बहुत सारे सॉन्ग हैं जो मेरे दिमाग में रहते हैं ठीक है बट कुछ कुछ ऐसे होंगे जो मेरे दिमाग में नहीं रहते बेशक उनके लिरिक्स रहते हैं लेकिन उनका जो टाइटल था नाम का वो मेरे नहीं रहते दिमाग में ठीक है मतलब मेरी ये बात का बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मतलब मैंने वन जी के इतने सॉन्ग पर रिएक्शन दे दिया है कि अब मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होती है कि भाई कौन सा सॉन्ग मैंने कौन सा सॉन्ग है कौन सा सॉन्ग वन जी गा रहे हैं क्योंकि जो सेकंड सॉन्ग गाया ना वो वन जी ने उसके उस सॉन्ग के बाद कौन सॉन्ग का DDLJ का सॉन्ग गाया उसके बाद वन सॉन्ग गाया उस सॉन्ग का मैंने म्यूज़िक भी पता है मुझे उस सॉन्ग का जो लिरिक्स है वो भी मुझे पता लेकिन मुझे उसका पूरा सॉन्ग नहीं पता है इस बात को साइड रखते हैं बात करते हैं लाइव शो की तो लाइव शो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है एंड आई गेस वन जी ने आज अपनी स्टोरी डाली थी नॉट स्टोरी सुबह आज सुबह मतलब आज का डेट है बताओ आज डेट है आज मई 16 को आज मेरी वीडियो शूट हो रही है ठीक है लेकिन ये डलेगी मई 17 को ठीक है तो क्या है कि वन जी ने अपनी मई 16 को इंस्टाग्राम की आईडी पे डाल दिया कि मतलब मैं विक्टोरिया का जो वो है वहाँ पे मैं शूटिंग कर रहा था मतलब शूटिंग क्या कर रहा था मैं मतलब लाइव शो कर रहा था एंड बाहर लोग नाच रहे थे मतलब ऑब्वियसली उनको बाहर आवाज़ आ रही वन जी की वो बाहर नाच रहे थे मतलब बहुत सारे पंजाबी लोग थे बहुत सारे ऐसे नॉर्मल लोग भी थे नॉर्मल मतलब जो वहाँ के जो लोग होंगे वो भी नाच रहे थे हाउ कूल यार मतलब लिटरली मुझे वो चीज़ देखी बहुत अच्छा लगा एंड आज वो जो लाइव पे थे ठीक है वन जो लाइव शो आई थिंक आज भी हो रहा है वो सुबह हो रहा था ऑब्वियसली मतलब नॉट सुबह नहीं हो रहा वो रात में हो रहा क्योंकि वहाँ का टाइम अलग है कनाडा का टाइम ऑब्वियसली अलग है तो वहाँ का सुबह वन जी मतलब हमारे यहाँ पे वन जी सुबह लाइव आते हैं लेकिन वहाँ पे रात हो रही होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है ठीक है सो यस आई लव दिस वीडियो सो मच एंड उस लाइव शो में जो कि वन जी अभी इंस्टा पर आए थे अपनी
लाइव, ठीक है, मे 16 को मैं भी उसमें थी, मैंने भी वो वन जी लाइव शो देखा, बहुत कम मिनट का देखा है मैंने, बट येस आई कैन से कि मैं उसमें थी लाइव शो में, क्योंकि एकदम से बात नोटिफिकेशन आई कि ना बुमान इंस्टा लाइव आ चुके हैं वो, तो मैं थोड़ा जाकर देखूँगी ना वन जी लाइव के बैठे, शायद मैं वन जी कुछ बात कर रहे होंगे या फिर कुछ ऐसा बात करूँगा वन जी अपने फैन से, बट देखा तो वन जी का लाइव शो चल रहा था। पहले तो मैं बहुत शॉक हूँ कि यार वन जी का लाइव शो इस टाइम चल रहा है, हाँ मतलब ये क्या हो रहा है, बट देन आई रियलाइज कि वन जी का लाइव शो तो बाहर की कंट्री में हो रहा है ना, मतलब वन जी का लाइव शो तो कनाडा में हो रहा है, तो कनाडा में ऑब्वियसली टाइम इंडिया का नहीं होता, ठीक है, वहाँ पर टाइम अलग होता, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आई थिंक रात हो रही होगी। सो येस आई लव दिस वीडियो सो मच, वन जी का लाइव शो बहुत अच्छा है, चंद चांदनी सॉन्ग बहुत प्यार लगता है, ठीक है, इसका जो म्यूजिक है बहुत अच्छा है, सॉन्ग आए वो बहुत अच्छा था, उसके जो बीच के जो सॉन्ग आए वन जी ने वो भी बहुत ज़्यादा ही किलर थे, ठीक है, एंड और भी वन जी की और लाइव शो होने वाला, अभी वन जी आज भी लाइव शो हुआ है तो उस पर हमको रिएक्शन देना है गाइस, यू नो बहुत सारे सॉन्ग मुझे भी सजेस्ट हो रहे हैं कि आप इस रिएक्शन दीजिए, तो उन पर डेफिनेटली वीडियो आई गाइस, लेकिन आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करा करो, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करा करो कि मैं ही हूँ सिर्फ एक जो अपनी वीडियो को शूट कर दे, अपनी वीडियो को एडिट कर दे, सब कुछ मैं ही करती हूँ अकेले, ठीक है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक बड़ा टास्क है ये करना, स्टिल मैंने इतना तो करा है कि मैं अपनी वीडियो डेली डालती हूँ, सो आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इतना अच्छा कर रही हूँ कि मैं मतलब आप सबके लिए वीडियो में हर रोज़ डालती हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली आप लोगों का सपोर्ट तो चाहिए चाहिए मुझे, ठीक, तो अपना सपोर्ट बिल्कुल बरकरार रखिएगा, बिल्कुल भी अपना सपोर्ट दीजिए मुझे, एंड येस मेरी वीडियो को शेयर जरूर करा करें गाइज, यार मतलब मैंने एकदम से बात बोली आई नो, बट येस वीडियो को जरूर शेयर करा करिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे ना तो इट मीन्स कि आपको मुझसे प्यार नहीं है या फिर आपको मेरी वीडियो से प्यार नहीं है, ठीक है, तो प्लीज़ गाइज शेयर करा करो मेरी वीडियो को, ठीक है, ताकि और भी लोग जान सकें ना, और भी लोग मेरा रिएक्शन देख सकें, है ना, तो येस दैट्स इट गाइज, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्री, उसके आगे जो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरे को वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पास, सो बिग लेट नाइन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब प्लीज से बाहर मत निकले बिगेस्ट कोरोना वायरस एंड कमेंट आज गाल निकलनी, ठीक है, बाय, कमेंटा च गाल नहीं कटनी।